अरे ये क्या हाल बना है, कंबल ओढ़कर बैठे हो? बुखार हुआ है क्या? डर हुआ है। क्या कोई पूछे मैं ऑफिस में हूँ या नहीं तो बोल देना मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। मगर मामा मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आखिर बात क्या है मुझे बताइए। मैं FM सुनते हुए बड़े आराम से ऑफिस जा रहा था, तभी अचानक मुझे कॉल आया। हेलो। हेलो सर, मेरी बहन ने मैरिज ब्यूरो में आपकी फोटो देखकर आपको पसंद किया, प्लीज आप उससे एक बार मिल लीजिए ताकि शुभकामनाएं देर ना हो। ओके, ट्राई करूंगा, किसी ने तो पसंद किया। हैया, मंगल मेरी कुंडली से निकल चुका था, मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। अबे गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हथियार नीचे डालो। लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज पे लगाम रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम गुंडे हैं। ठीक है। दूल्हा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके सामने हमें सॉफ्ट रहना है जी, समझे कि नहीं? हाँ, समझे। इसकी हेयर स्टाइल तो लाजवाब है, दिखने में भी स्मार्ट है, बालों से बॉबी देओल लगता है ना? बालों से बॉबी देओल और आंखों से ऋतिक रोशन। भाई मैं दूल्हे से अपना लैपटॉप रिपेयर करवाऊंगा। नमस्ते सर, आप अकेले आए हैं? तो क्या साथ में बारात भी लानी थी? मेरे मतलब आपके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। आपके माँ बाप नहीं पूछ रहा। अरे खड़े खड़े यू इंटरव्यू लेना छोड़ो, फटाफट लड़की दिखाओ। चलो इनका आशीर्वाद ले लो। अरे आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है, चलो बैठो, मुझे लड़की पसंद है। मगर एक बार उनसे भी तो बात कर लो। बकवास, बात कर लूं किनसे बात कर लूं? तुम मुझे पसंद हो, अगर प्राइवेट में मुझसे कुछ कहना है तो कह सकती हो। लड़की तो प्राइवेट में दूल्हे से बात करती है, दूल्हे के पापा से प्राइवेट बात कैसे करूं? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, दूल्हा मैं ही हूँ, कुंवारा भी। तो ये फोटो? ये मेरी ही फोटो है। छी, रुको, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अपनी जवानी में फोटो तुमने मैरिज ब्यूरो में भेजी थी और लड़की देखने बुढ़ापे में आए। ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? हाँ? तुम्हारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। निशब्द का कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती? मरती तो हैं। है ना, वो उम्र में इतने बड़े हैं फिर भी उन पर लड़कियां मरती हैं। अब बताओ प्यार की कोई सीमा होती है? नहीं होती है। बचपन का फोटो देखकर पसंद किया, जवानी में क्या खराबी है? ये बताओ सनी लियोन के आने से क्या हम ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे? बता टकले। नहीं। इसी तरह नए को देखकर पुराने को भूलना नहीं चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। मैं वेट नहीं कर सकता, जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो। ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? मुझे टच भी किया तो तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा सकता हूँ। तुमने हाड़ वैद्य बाबजी का नाम सुना है? तुम जानते हो नहीं? बचपन में वो मेरे साथ गोटियों से कोयबा खेलता था, मेरे एक फोन से दौड़ता हुआ यहाँ आएगा, तेरी हड्डियाँ तोड़ देगा। ए, हमारे भाई बाबजी के राइट हैंड है, तू सॉफ्ट है इसलिए हमने अपना हार्डवेयर नहीं निकाला। भाई ये सॉफ्ट को सॉफ्ट कर दूं? एक मिनट, मामला मेरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हुआ है, यहाँ फाइट करेंगे तो कोई नहीं देखेगा, चलो बाहर चलते हैं, बेहोश हुआ तो कोई घर तो पहुंचा देगा। ए! मैं अकेला और तुम लोग 20, मुझे भी 20 लोग बुलाने दो, फिर 20-20 होगा, साथ में तुम चीयर लीडर्स भी लाना, अंपायर मैं बनूंगा। भागो। किसी तरह मैं वहां से जान बचाकर भागा, अगर वो पकड़ लेते तो मैं गैराज में होता, मेरा फोन नंबर उनके पास है। अब वो सुबह दोपहर शाम गालियां मैसेज कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में वो मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आप तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। जवानी की फोटो दिखाकर लड़की देखने जाना गलत बात नहीं है? मैंने इससे भी बड़ी गलती कर दी है। कौन सी? बाबजी का नाम भी ले लिया, अगर उसे पता चल गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। आपको बाबजी से डर लग रहा है ना? चलिए उसके घर चलते हैं। पहले ही पेट्रोल के दाम भड़के हुए, अब पेट्रोल में आग मत लगाओ। मेरे होते हुए वो टच भी नहीं करेगा, चलिए। ए ब्रो। ए, अंदर कहाँ जा रहा है? बाबजी से मिलना था। बॉस मीटिंग में बिजी हैं, बाहर वेट करो। ओके। जो मेरा नाम लेता है, प्रॉपर्टी हड़पता है, उसका काम तमाम। मामा क्या हुआ? क्या पटाखा है ना? अबे बाबजी को पता चला तो दिवाली का पटाखा समझकर तुझे ही फोड़ देगा, तुझे क्या अंधा होना है? लड़की है दूर, मुझे घूर। कितनी खूबसूरत है, ये तो सिर्फ मेरे लिए बनी है। हाँ जी। अरे जरा सोचो मामा, अगर इस लड़की से टांका फिट हुआ तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मैटर भी सॉल्व हो जाएगा, है ना हेट आइडिया? इतना बुरा हाल करेगा बाप जी, हम यहाँ प्रॉब्लम क्लियर करने आए हैं, नया प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं। मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं चला। यहाँ देख, वहाँ मत देख। ए, बॉस ने बुलाया। भांजे बैटिंग शुरू नहीं की कि विकेट गिर गया, अंदर नहीं पवीलियन लौट चलते हैं। चल, मैं हूं ना, बी अ मैन। सलाम भाई।
भाई मैंने आपको बताया था ना ये ठरकी मेरी बहन को देखने आया था। नहीं नहीं ये तो मामा है। शक्ल सूरत तो अच्छी है। हा? बन जाए इसका साला। आगे वाली मर्सिडीज नहीं पीछे वाली पुरानी एम्बेसडर कार है ना वो। सलाम बापू। तुम्हें पता है क्या ये भाई का नाम क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करता है। कद्दू कहीं का मुझे भाई के नाम से डरा रहा था। मेरे ही आदमियों को धमकी देता है। हा? वो भी मेरे भतीजे के नाम से। तेरी इतनी हिम्मत। तेरा नाम क्या है? जलेबी। जलेबी? हाँ। ये किस तरह का नाम है? पहले तो नहीं सुना। मेरे बापूजी की मिठाई की दुकान थी। उनके दुकान की जलेबी फेमस थी। मैं भी बचपन में रसीला और स्वीट था जलेबी की तरह। अच्छा तेरा नाम क्या? चेरी। चेरी? तेरे बाप की फल की दुकान थी क्या? चाचू चेरी तो निकनेम है। आहा, इसका नाम मिठाई से और तुम्हारा फ्रूट से है तो क्या दूसरों का नाम यूज करोगे? हाथ पैर तोड़ दो इसके। रुबे मुंबई में रहकर मैंने बाप जी का नाम यूज किया तो क्या गलत किया? पब्लिक में इनका क्रेज है, भगवान मानते हैं सब इन्हें, इसलिए इनका नाम यूज किया। गलती की? अरे अरे मेरा सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना समझो कोई बात नहीं, बाप जी समझ जाए बहुत है। मुंबई का वड़ा पाव जितना फेमस है, बाप जी का नाम उससे ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है, बाप जी का नाम लो पट जाएगी। हॉस्पिटल में बेड चाहिए, बाप जी का नाम लो एम्बुलेंस घर आएगी। अरे राशन की लाइन में केरोसिन लेने के लिए भी बाप जी का नाम लेकर घुसते हैं लोग। सही कहा ना मामा? भतीजे को मस्का लगा रहे हो तुम? ए चाचे। क्या भतीजे? बोलने दे उसे। As you wish. तू बोलता जा। आपके चमचे बड़े इलिटरेट हैं। जानते नहीं आपकी पावर क्या है? दबंग स्टार सल्लू की फिल्म हो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट कभी मिलती है क्या? नहीं कभी नहीं। पर मुझे मिलती है क्योंकि मैं बाप जी का नाम लेता हूँ। अरे बाप जी का नाम ले लो तो ट्रैफिक हवलदार ना लाइसेंस मांगता है ना ही पुलिस हफ्ता मांगती है। अब इतने पावरफुल इंसान का नाम यूज करना गलत कैसे हुआ? ये कोई क्रेडिट कार्ड है क्या? बस जहाँ जाओगे इसी का नाम यूज करोगे। अपने बाप का राज समझ रखा है क्या तुमने? ए चाचे। भतीजे। ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें मार्केट में अपनी वैल्यू का पता चलता है। करेक्ट बोला सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक फोटो खींच लूं। मामा क्लोजअप शॉट लेना। आज तक खाली नाम यूज किया, अब फोटो के साथ यूज करेंगे। सर हाथ रखिए ना। लगे ना। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। भाई आपकी बहन है? मामा इनके साथ भी एक क्लोजअप। ये ढे कहानी में ट्विस्ट क्यों ला रहा है? इसके साथ फोटो क्यों चाहिए? आप फोटो खींचो ना। मामा नहीं चल रहा है और मेरा दिमाग भी नहीं। ए बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। अब भतीजी की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पब्लिसिटी मिलेगी, पोस्टर छपेंगे और पब्लिक में बटेंगे। ये शक्ल से ही आवारा लगता है मुझको। तुम कॉलेज जाओ बेटे। टाटा। सर वैसे किस कॉलेज में पढ़ती है? अरे तू ये क्यों जानना चाहता है? हम यहाँ आए क्यों थे और तू पूछ क्या रहा है? बात को समझो मामू। पता चले कि वो कौन से कॉलेज में है तो वहाँ के चिचोरे लड़कों को वार्निंग देंगे। बाप जी की बहन है इससे दूर रहो वरना हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे, है ना सर? करेक्ट। बीटेक फाइनल ईयर श्रेया इंजीनियरिंग कॉलेज। दे दो सब कुछ दे दो। पिन कोड दे दो, पोस्टल एड्रेस दे दो, सारी डिटेल्स दे दो इस मोबाइल को ताकि एक दिन ये अपनी बारात लेके यहाँ आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? मैं अपने आइडल से मिलने आया हूँ और आप कह रहे हैं मैं उनकी बहन से फ्लर्ट करने को? वरना हम हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। तू फ्लर्टिंग का टॉपिक क्यों छेड़ रहा है? अरे तू बाप जी के घर में है और उन्हीं के घर में उन्हीं की बहन को लपेट रहा है। चुप करो। सर ये चाहे कुछ भी कहे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप समझ रहे हैं ना? लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं हम। तेरे चेहरे से सच्चाई झलक रही है। आप तो फेस रीडर है। तू जब चाहे मेरे से मिलने आ सकता है, मैं मिलूंगा तुझसे। थैंक यू सर। सर एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, इनसे कहिए कि मेरे मामा को तंग ना करें। ठीक है नहीं करेंगे। थैंक यू सर। जा चलता हूँ। सर आप तो हटके हैं सर। आपकी आवाज को क्या हुआ? आपकी बैटरी डाउन हो गई क्या? अरे आवाज ही नहीं, तेरी वजह से मेरी जान भी चली जाएगी। उसकी बहन के साथ फोटो क्यों लेनी थी तुझे? मार डालते तुझे तो। जान भी जाए तो परवाह नहीं, शादी करूंगा तो उसी से। आई लव हर। कर्म फूट गए मेरे और क्या। अरे लेफ्ट क्यों लिया? उसके कॉलेज जा रहे हैं मामा। मधु मधु मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मुझे ठुकरा दिया। अगर अभी तुमने मुझसे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कहती हो या कूद जाऊँ? तुमने देखा मधु, वो कूदने की बात कर रहा है। आई लव यू बोल दो ना वरना वो ऊपर से कूद जाएगा। उसके ऊपर से कूदते ही न्यूज चैनल वाले एक एक करके आ जाएंगे और कॉलेज बदनाम हो जाएगा। पर वो क्यों आएंगे? क्योंकि जब वो ऊपर से कूदेगा ये लोग उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे और मीडिया को दे देंगे। बोल दो बेटी। ये नहीं बोलेगी सर, कल कॉलेज का हर मजमा ऐसा करेगा तो ये सबको आई लव यू बोलेगी। ए शराफत से नीचे आ जा, उड़ाओ अपना मुंह बंद रख, उड़ता प्लेन मत पकड़। मधु मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आई लव यू बोलोगी तो नीचे आऊंगा नहीं तो सीधा ऊपर जाऊंगा। वो देख तुझसे बड़ा पागल यहाँ मौजूद है। मुझसे बड़ा क्रैक कोई नहीं है।
मधु इतना सोचो मत, कह दो। जल्दी बोल दो बेटी, नहीं तो वो कूद जाएगा। तुम बोलती हो, मैं उसे बोलू। ये उससे भी ऊपर क्यों चढ़ा है? मधु, उसे आई लव यू कहा तो मैं कूद जाऊंगा। क्या लगता है ये लड़का हमारे कॉलेज का नहीं है? ये बिल्डिंग तो हमारे कॉलेज की है ना। ए, कौन है तू? मैं कौन हूँ ये मत पूछो, मैं क्या चाहता हूँ ये पूछो। मधु उसे आई लव यू नहीं कहेगी। आई लव यू बुलवाने के लिए मैंने कूदते हुए देखा है, लेकिन आई लव यू ना बुलवाने के लिए पहली बार कूदते हुए देख रहा हूँ। अगर तुम एक को बोलोगी तो वो दूसरा वाला कूद जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसकी बकवास करने की आदत है। सुन लो, तुम दोनों में से कौन कूद कर मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, सोच लो। ये क्या बड़े भाई, टेंडर मैंने भरा और कॉन्ट्रैक्ट तुम ले जाओगे। हल मैंने चलाया और पानी डालने तुम आ गए। कौन से खेत में हल चला? नो एंट्री में अपनी गाड़ी घुसाएगा तो फाइन तो भरना ही पड़ेगा ना। समझदार बना और नीचे उतर, सच्चाई बताता हूँ। कौन सी सच्चाई? नीचे उतर फिर बताऊंगा। ठीक है। अरे पता नहीं इसने क्या जादू किया, उस पर नीचे उतार दिया। क्या बोल रहे थे तुम? तुम डरा कर किसी का प्यार तो पा सकते हो, पर उसका नहीं जो पहले से किसी का हो। वो मेरी है इसलिए तू साइड हो जा। हा? क्या बोला? इसके लिए नीचे बुलाया? ब्रदर, तू बाप जी को जानता नहीं है, बड़ा हत्यारा है, तुझे भी टपका देगा। क्या तू उससे नहीं डरता? मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ। कैसे? अभी तू बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। चरी चरी चरी, कहाँ जा रहा है तू? वो मैं मधु से मिलने जा रहा हूँ। अभी मधु से मिलने जा रहा है? दिमाग तो ठीक है? अरे मेरा दिल उछल के बाहर आ जाएगा। चल यहाँ से। अभी मेरे साथ चलिए। सिचुएशन बहुत अच्छा हैंडल किया। थैंक्स बाबू। वेल डन। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ये क्या मधु, इतना रिस्क लिया और सिर्फ थैंक यू? तो और क्या चाहिए तुझे? ये बाबूजी की लाडली बहन के तेरे साथ पिक्चर देखेगी, डिनर करेगी कल। अरे रुको मामू, एक्चुअली एक बात कहनी थी तुमसे। आई थिंक आई लव यू। क्या? तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझू? भाई रिश्ता पक्का करेंगे। ऊपर वाले है, मामा भांजे को बचा ले। तू कभी टेंशन नहीं लेता? टेंशन लेने से क्या होगा? जान जा सकती है बेवकूफ। अच्छा ठीक है चलो। भतीजे भतीजे, देखा, पता है तुम्हारे उस प्यारे प्यारे कमीने ने क्या किया? दसवें माले से तुम्हारी बहन को धमकी दे रहा है कि आई लव यू नहीं बोली तो कूद जाऊंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बीच में मत बोलो, उसने ऐसा कहा कि नहीं? अब तक तो उसने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया है, अब फैमिली मेंबर भी बन जाएगा। अगर आज हम खामोश रहे तो कल आकर कहेगा कि इसकी शादी मुझसे करा दो। तुम चुप क्यों हो? आखिर कुछ करते क्यों नहीं? उसे जीजा बनाओगे क्या? चेरी ये यहाँ कैसे पहुँचा? पहुँचा ही क्यों? चेरी तू ही बता सच्चाई क्या है। इन्हें भी बता दूं सर? रुक मैं बोलता हूँ। एक लड़का मधु से बोला वो उसे आई लव यू नहीं बोलेगी तो वो बिल्डिंग से कूदकर जान दे देगा। अकलमंदी दिखाते हुए चेरी ने उसे बचाया। इसने उस लड़के को बचाया? नहीं, लड़की को। ये बिल्डिंग के ऊपर गया, नीचे आया, उससे मतलब नहीं है। इससे पूछो इसने मधु को आई लव यू कहा कि नहीं। हेलो, आपको करंट लगा और मैंने बांबू मारकर आपको बचाया तो मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मारा। वहाँ टोटल ड्रामा तीन शब्द आई लव यू पर डिपेंड था। बाय मिस्टेक मेरे भी मुंह से आई लव यू निकल गया होगा सर। अगर वो आपकी बहन लगती है तो मेरी भी कुछ लगती है ना? क्यों मामू? भतीजे इसका यकीन मत करना, भले ही ये मुंह से कुछ और बोल रहा है मगर इसके दिल में कुछ और है। सर आप मुझे अपना राइट हैंड बना लेंगे ऐसा लगता है इन्हें, इसीलिए मेरा नाम खराब कर रहे हैं ये। और लगता है आपकी बहन को भी अपनी साइड कर लिया है। भतीजे के सामने तो हमारी। चुप। मैं जो भी फैसले लेता हूँ दिमाग से नहीं दिल से लेता हूँ। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, कॉलेज का लफड़ा मिटाया उसके लिए थैंक्स। अब जा। आप तो हटके हैं सर। मामा चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। साले ने घर की गाय से ही दूध निकाला और उसका ही मस्का बना के भाई को लगा डाला। भतीजे पे गुस्सा आ रहा है, उस बोल बच्चन के झांसे में आ गया। अरे तूने भाई से कुछ कहा, बहन से कुछ कहा, मुझसे सब कुछ कहा, अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो काट डालेगा। ओ, पता चलेगा तब ना? मरवाएगा। जलेबी। ओ चलो चलो काम पर लग जाओ, फोकट की पगार मत खाओ, जाओ। आपने मुझे प्यार से बुलाया? गुस्से से बुलाया है। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, कल मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। तुमने क्या किया ये जाने नहीं आई हूँ, मुझे उससे पर्सनली बात करनी है। 10 मिनट में वो मुझसे आकर कहेगा आई डोंट लव यू, वरना तुम्हारा मर्डर कंफर्म। क्या सर, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप इतने खुश हैं? बेवकूफ, मुझे लगा कि सुनामी आएगी पर ये तो हल्की सी बूंदाबांदी करके चली गई। थैंक गॉड, लड़की तो भांजे से प्यार नहीं करती, अब भांजा भी उसे आई हेट यू कह दे तो मैं बच जाऊं। It was so much fun. Excuse me. Cold coffee पीते वक्त hot decisions नहीं लेने चाहिए। ए, क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? Face तुम्हारी तरफ है, पर chase इसे कर रहा हूँ। अगर angle वहाँ का है, तो triangle story क्यों घुमा रहे हो? उसकी तरफ देखने से डर लगता है, कहीं फिर से प्यार में ना पड़ जाऊँ। भांजे, तू यहाँ आया किसलिए? क्या कह रहा है?
ठीक है कहता हूँ, बताओ ऑटो में ट्रैवल करने वाला फरारी के सपने देखे तो गलत है? नहीं तो? नहीं ना, मुझ जैसा हैंडसम लड़का ऐसी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत है? नहीं तो? जस्ट शट अप। ओके ओके, दिल मचल रहा है तो मुझसे डायरेक्टली बात करो ना, बेचारे मेरे बैचलर मामा को क्यों टारगेट कर रही हो? लेट्स टॉक फेस टू फेस। देखो, हलाल होने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है। ये डरते हैं तो इनका बीपी लो हो जाता है। अब इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुड बाय। चलता हूँ। भांजे तो कितना अच्छा है, इसे छोड़ तुझे बहुत मिल जाएंगी। ए, रुका क्यों? एक जरूरी बात कहना भूल गया। अब क्या रह गया? बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे काम आएगा। देखो, लाइफ में प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टियों को, एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन किसी के प्यार को ठुकराने की भी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ये भी सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। सोचना। तो फाइनली तुम्हारे प्यार का चैप्टर क्लोज हुआ कि नहीं? प्यार का चैप्टर तो मैंने अभी ओपन किया है।